नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आई है RR CAT की तरफ से, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए दोस्तों, आप लोग कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का 14 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए, और बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट सी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पोस्ट नंबर है B1। यहाँ पर देखिए लेवल 7 का है, यानी साइंटिफिक असिस्टेंट सी लेवल 7 का आ गया आप लोग का। इनिशियल पे है बेसिक पे 44,900 रुपया प्लस अदर अलाउंसेस एज एडमिसेबल। ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, मात्र एक पोस्ट है। और आप लोग देख सकते हैं मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल। यहाँ पर देखिए जो लेवल सी यानी साइंटिफिक असिस्टेंट सी लेवल 7 का पोस्ट है, उसके लिए आपको मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देख सकते हैं मिनिमम कम्युलेटिव 4 ईयर प्रैक्टिकल रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन डीजल एंड पेट्रोल 4 व्हीलर व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल। यहाँ पर देख लेते हैं आगे हम लोग, साइंटिफिक असिस्टेंट सी मेकाट्रॉनिक्स, इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस है, इसके लिए आप लोग का देख सकते हैं। फिर उसी तरह आगे दोस्तों, साइंटिफिक असिस्टेंट सी इलेक्ट्रिकल, इसमें है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल तो होना ही चाहिए डिप्लोमा में, बट आप लोगों का 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंटिफिक असिस्टेंट सी इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आप लोगों का 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आप लोगों का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किसी से भी आप लोग किए हैं डिप्लोमा में, बट बस आते हैं कि आप लोग 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी का पोस्ट आ गया B5 से, बायोलॉजी। इसके लिए क्या है, BSc इन बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। BSc अगर किए आप लोग बायोलॉजिकल साइंस से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मात्र एक पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट होगा, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जिसमें आप लोग को इनिशियल पे 35,400 रुपया प्लस अदर अलाउंसेस जो भी है आप लोगों को दिया जाएगा। फिर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। आगे हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर आपका है साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टोटल 8 पोस्ट है। आगे देखते हैं हम लोग, ये भी ये सब आप लोगों का डिप्लोमा पर से ध्यान रखना दोस्तों, ये सभी जो वैकेंसी है ये सभी आप लोगों का डिप्लोमा पर से है। और साइंटिफिक असिस्टेंट भी फिजिक्स, ये आप लोगों का BSc होना चाहिए, BSc फिजिक्स ऑनर्स से। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, साइंटिफिक असिस्टेंट भी हॉर्टिकल्चर, फिर आपका है साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल, जिसमें हॉर्टिकल्चर वगैरह सब है दोस्तों, ये सभी आप लोग का BSc से है, BSc अगर आप लोग हॉर्टिकल्चर से किए हैं। उसी तरह है साइंटिफिक असिस्टेंट भी एनिमल हस्बेंड्री एंड जूलॉजी, इसमें आप लोग का BSc होना चाहिए। तो ये रहा टोटल बी यानी नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, टोटल टोटल 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, 13 पोस्ट कोड के लिए, ठीक है। उसी तरह आगे टेक्नीसियन सी वायरमैन, फिर आप लोग का इसी तरह दोस्तों, फिर टेक्नीसियन भी, जिसमें आप लोगों को टेक्नीसियन सी में ही 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए शायद कोई फी नहीं है। बाकी जो जानकारी चाहिए आप लोग का, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करें तो 1:5 यानी आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी या सी के लिए, तो उसमें आप लोग को एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप लोग को 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू बेसिस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर इन केस ऑफ रिसिपेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी अगर फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा भरा जाता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, अलग तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए 1 घंटे का यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि 1 घंटे में कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा या फिर कितना क्वेश्चन आएगा। फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश 30 मिनट का। फिर आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, BSc किया है, उसके लिए आप लोगों का 1 घंटे का समय, यानी टोटल 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला था। इनको बताना चाहिए था फुल तरीके से कि कितना क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल हो चाहे आपका जो भी पेपर है उसमें, फिर आपका रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब से कितना क्वेश्चन होने वाला था। फिर आपका वही C1 से C10 आपका, फिर वही एक तरह से समझिए 20 मैथमेटिक्स, 20 साइंस, 10 जनरल अवेयरनेस। फिर आपका लेवल 2 में ओनली टेक्निकल पेपर पूछा जाएगा। उसी तरह दोस्तों आप लोग को जो भी जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए
जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।